नमस्ते, वाउक्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों को खांसी बहुत ज्यादा होती है या बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम के कारण बच्चों को खांसी चलने लगती है, नवजात शिशु है और उसको खांसी चल रही है, उसके लिए इंस्टेंट ऐसा कौन सा उपाय करें, क्योंकि खांसी चलने पर बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, बुखार तक आ जाती है। किसी भी कारण से अगर बच्चों को खांसी चल रही है तो आप यहाँ पर दो उपाय के साथ में बच्चों की खांसी को बिल्कुल सही कर सकते हैं। यहाँ पर हम नवजात शिशु के बारे में भी बात करेंगे। एक वर्ष से अगर आपका बच्चा बड़ी उम्र का है, उसको खांसी बहुत हो रही है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपका बच्चा नवजात है और 6 महीने तक का बच्चा है, उसको खांसी चल रही है, बहुत ही ज्यादा खांसी से परेशान हो गए हैं, क्योंकि बच्चों को कफ सिरप ज्यादा नहीं पिलाना चाहिए, ये सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। अगर बच्चों को सर्दी जुकाम होता है, खांसी चलती है, बुखार होता है, उसके लिए अगर हम बहुत ज्यादा दवाइयाँ देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। अगर नवजात शिशु को खांसी चल रही है तो जिस प्रकार से हम डॉक्टर को दिखाते हैं, वो कोई कफ सिरप देते हैं और हम बच्चे को देते हैं, उसी प्रकार से हमें घर पर एक घरेलू नुस्खा तैयार करना है। आपको क्या करना है, बिल्कुल एक छोटा चम्मच पानी लेना है, उसे आपको थोड़ा सा गर्म कर लेना है एक कटोरी के अंदर, उसमें बिल्कुल आपको हल्का सा गुड़ डालना है और थोड़ा सा उसमें हल्दी पाउडर डालना है और उसको थोड़ा बॉईल कर लेना है। जब पानी एक चम्मच का आधा चम्मच रह जाए, तब आप ड्रॉपर की सहायता से बच्चे के मुंह में एक बूंद दो बूंद डाल दें। यानी कि अगर आपका बच्चा 0 से लेकर नवजात से लेकर 6 महीने तक का है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बच्चों को खांसी चल रहा है वो सही हो जाएगा, बच्चे के सीने से आवाज आ रही है वो सही हो जाएगी, और बच्चे को सर्दी भी लग गई है तो सही हो जाएगा। ये नुस्खा आसान है, बच्चों को इंस्टेंट आराम देगा। इसी के साथ दूसरा उपाय कौन सा करना है कि आपको मसाज देनी है। जब बच्चा सोए तब थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर लीजिए और उसमें अजवाइन के दाने डाल दीजिए, और फिर उस तेल से, गुनगुने तेल से बच्चे के सीने पर, पीठ पर, यहाँ सिर के ऊपर, हथेलियों के पंजों में, पैरों के पंजों में, इस तरह से बच्चे को मसाज दे। थोड़ा सा तेल लेकर के नथुनों में भी लगा दे, कान के पीछे भी लगा दे। अगर बच्चे को सर्दी के कारण, किसी एलर्जी के कारण खांसी चल रही है तो तुरंत सही हो जाएगी। इस उपाय को एक या दो बार आप करेंगे, उसी में बच्चे को काफी आराम आए। बात करते हैं बड़े बच्चों की, यानी कि अगर आपका बच्चा 1 वर्ष से लेकर के 15 साल तक का भी है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी चल रही है, आप परेशान हो गए, उसे भी कफ सिरप देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ताजा तुलसी के पत्ते लेंगे, उन्हें साफ करेंगे और उनको पीस करके उसका अच्छे से रस निकाल लेंगे, यानी कि 1 चम्मच भर के रस निकाल लेना है। उसके बाद उसमें आपको 1 चम्मच शहद मिक्स कर देना है और बच्चे को वो पिला देना है। अगर आप उसे पिलाएंगे, जैसे कि खांसी बहुत ज्यादा है, तो आप इस उपाय को 2-3 बार कर लीजिए, और हल्की हल्की खांसी चल रही है तो 1 बार के उपाय से ही बच्चे को आराम आ जाएगा। साथ में ही दूसरा उपाय बच्चे के साथ मसाज वाला ही करना है, क्योंकि बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मसाज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर खांसी चलती है, सर्दी जुकाम होता है, तो हम बच्चे को मसाज देते हैं। उसी ऑयल से आप बच्चों को थोड़ा सा पीठ पर, सब जगह पे अच्छे से मसाज कर दीजिए और फिर चद्दर ओढ़ा दीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो बच्चे की खांसी में काफी जल्दी आराम आ जाएगा। उनके लिए आप कोई सा भी कफ सिरप का प्रयोग ना करें, ये घरेलू नुस्खे बच्चों को काफी जल्दी ठीक कर देंगे। अगर आपके बच्चों को बहुत ज्यादा खांसी चल रही है, कफ भी आ रहा है, तो इन दो उपायों के साथ में बच्चों की खांसी को आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सबके घर में बच्चे होते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।